हर महादेव हर महादेव, महादेव हर हर महादेव। महादेव, हर काशी विश्वनाथ, भूत भावन भूतेश्वर, त्रिकालदर्शी कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी सुंदर पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य माँ गंगा के पावन तट पर उत्तर प्रदेश की ये पावन धरा पांडितारा में भगवान शिव की ही कृपा से, भूत भावन भूतेश्वर की दया से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की करुणा दया जो अपन सब भगवान शिव की ही कृपा से बघेल परिवार द्वारा भूत भावन भूतेश्वर शंकर की कथा का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं। एक तो कठिन है मानव का शरीर और दूसरा अगर मनुष्य का शरीर मिल भी जाए तो उस समय भगवान का भजन करना और कठिन। मान लो हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत भगवान से निवेदन करा, कृपा हुई भगवान की, फिर मिल गया मनुष्य का शरीर, पर उस मानव के शरीर को पाने के बाद अगर हम भगवान की भक्ति से वंचित रह जाएं, भगवान की दया से कृपा से या उसके भजन से हम दूर रह जाएं, तो फिर इस मनुष्य शरीर को पाने का कोई सुख नहीं। चौरासी लाख योनियों को काटने के बाद में बहुत अथक प्रयास करने के बाद भगवान के सामने बार बार निवेदन करने के बाद यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया है कि गुरुदेव ये दुख ये तकलीफ ये कष्ट ये रोग ये बीमारियां मनुष्य को जो घेरती है, ये दुख ये तकलीफ ये कष्ट जो मानव को आते हैं, इसके आने का कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है? क्या हमने यहां से जाने के बाद में नरकों का भोग नहीं भोगा है? क्या इस संसार सागर से मुक्त होने के बाद हम नरक का भोग नहीं भोगे हैं? भोगे हैं। अगर हम मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, चाहे जो भी बनकर पैदा हुए हो, 84 लाख योनियां जो हमको मिली उसमें हम जो पैदा हुए जन्मे, तो हमने वापिस जाने के बाद नरकों का भोग भी भोगा है। पर हो सकता है कि वो नरकों का भोग भोगते भोगते जब हम थक गए हो तो भगवान से ही हमने प्रार्थना कर ली हो कि प्रभु अब तो क्षमा करो,
और एक काम करो कि अब हमको वापस मृत्यु लोक में जन्म दे दो, बाकी का बचा कुचा वहां पर भोग लेंगे। अभी दुर्गापुर बंगाल में जब कथा थी तो उसमें हमने एक बात कही कि जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, अकेला है और कम से कम 15 दिन तक एडमिट पड़ा हुआ है, और वो पड़ा रहने के बाद में वो बार बार डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब मेरी खेती है, मेरी फसल बिगड़ जाएगी और मेरे साथ में कोई देखने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है, आप कुछ कृपा करिए और एक काम करो मेरी छुट्टी कर दो। डॉक्टर बोले कोई छुट्टी मुट्टी नहीं होगी, आपको भर्ती रहना है अभी कम से कम 15 दिन और, यहीं पर यहीं बोतल चढ़ेगी, यहीं इंजेक्शन लगेंगे, यहीं पर आपको रहना है। अरे अरे डॉक्टर साहब मेरे घर पे कोई संभालने वाला नहीं है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पांव पड़ती हूं कि आप बस कुछ दिन के लिए हमारी छुट्टी कर दीजिए और हमको घर जाने दीजिए। तो डॉक्टर कहने लगेगा कि घर भेज तो देंगे पर बात इतनी सी है कि आपको घर पर जाकर भी दवाइयां लेना पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, औषधि लेना पड़ेगी, ठीक है हमें मंजूर है, आप पर्चा लिख दीजिए। और उस व्यक्ति ने पर्चा लिखवाया, ये बात हमने दुर्गापुर की कथा में कही है, पर्चा लिखवाया और लेकर आ गया। अब घर पर आने के बाद में वो दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा, लेना पड़ेगी ना, अगर शरीर को चलाना है तो, अगर शरीर को साधना है चलाना है तो दवाई तो लेना पड़ेगी। अब वो घर पर आने के बाद भी दवाइयां ले रहा है, घर पर आने के बाद भी इंजेक्शन ले रहा है, अब वो दवाई मीठी है कि कड़वी है, अब वो दवाई कैसी है ये तो लेने वाला ही जान सकता, ये तो लेने वाला ही जान पाएगा कि उस दवाई में क्या है, औषधि मीठी है कड़वी है कैसी है, तो ये वो ही समझ सकता है। आप तो बस पर्चा लिखवा के लाए और आपने दवाई लेना प्रारंभ करी, बस यही कि यही हाल हमारा है। हम भी अपने प्राणों को त्यागने के बाद जब हम पहुंचे भगवान के दरबार में, हमने पहुंचकर भोग भोगा, हमने नरकों का भी भोग भोगा, हमने स्वर्ग का भी भोग भोगा, हमने नरक का भोग भोग लिया, पर जब नरकों का भोग भोगने के बाद हम थक गए, हम परेशान हो गए और बहुत ज्यादा हताश हो गए, तब भगवान से कहा अब हमारी छुट्टी कर दो और हमारा एक पर्चा लिख दो, हम नीचे जाके ले लेंगे। अर्थात जो बचा कुचा भोग है नरक का, बचा कुचा दुख है तकलीफ है कष्ट है, वो मनुष्य के शरीर में हम नीचे आकर क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा से पर्चा लिखवा कर लाए हैं कि हमको बाकी का भोग हम घर जाकर भोग लेंगे, हमको जाने दीजिए, हमको यहाँ रहना नहीं है, अब हमें यहाँ से मुक्त कर दीजिए, अब हमको यहाँ से जाने दो, यहाँ सुख का भान नहीं हो रहा, अब हमें जाने दो, बस यही जीवन है, दुख और सुख मानव के जीवन के पहलू है। और संसार सागर में अगर उसने जन्म लिया है, संसार सागर में अगर वो आया है, संसार सागर में अगर उसका जन्म हुआ है, तो संसार सागर में जन्म लेने के बाद उसको सुख और दुख का भान तो करना ही पड़ेगा, सुख और दुख का स्मरण तो करना ही पड़ेगा, उसको कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद हमारे को जो भोगना है वो कर्म के अनुसार भोगना है, हमें कर्म के अनुकूल रहना है।
अगर थोड़ा भगवान का भजन मिल रहा है, थोड़ा स्मरण मिल रहा है, थोड़ा संकीर्तन मिल रहा है, थोड़ा इस मानव के शरीर को पाने के बाद अगर हम भगवत भक्ति में कहीं डूबे हुए हैं तो ये परमात्मा की कृपा से ही डूबे होंगे। परमात्मा की दया से ही डूबे होंगे। और वो परमात्मा की कृपा, परमात्मा की दया सुख का मूल स्थापित करने वाली। सुख मूल को देने वाली। देखिए झाड़ू जो बनाई जाती है ना, बहुत सारी तीलियों को मिलाकर बनाई जाती है, और झाड़ू को बनाने के बाद में उसको बांध दिया जाता है। जब तक उसमें बंधन नहीं होगा ना, वो कचरे को साफ नहीं कर सकती। और अगर बंधन खुल गया, उस झाड़ू को खोल दिया गया, तो वो कचरा साफ करेगी, वो खुद भी कचरा बन जाएगी, फिर वो कचरा साफ नहीं कर सकती, वो स्वतः ही कचरा है। उस कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू में बंधन होना जरूरी है। अगर वो बंधन होगा तो वो कचरा साफ करती रहेगी। उसी तरह संसार सागर में आने के बाद परमात्मा का बंधन इस मानव देह के साथ होना जरूरी है, इस आत्मा के साथ होना जरूरी है। जब ये मानव के साथ में, मानव देह के साथ में, इस आत्मा के साथ में परमात्मा का बंधन होगा, तो उस बंधन से वो संसार के काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा के कचरे को साफ कर सकता है। उस बंधन का होना जरूरी। और यदि मानव का देह मिलने के बाद भी हम उस परमात्मा से नहीं बंधे, उस परमात्मा से हमारा बंधन हो ही नहीं पाया, उस परमात्मा से हम एकाग्रचित्त हो ही ना पाए, तो फिर उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है। ये बंधन ये परमात्मा का है। जैसे आप रोज गंगा नहाने नहीं जा सकते, आप रोज सरयू का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज छिपरा का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज प्रतिदिन कहीं मंदाकिनी का स्नान करने नहीं जा सकते, तो हमारे हिंदू धर्म में रीति बना दी कि गले में तुलसी की माला पहन लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो। तो क्या तुलसी और रुद्राक्ष पहनने से होगा क्या? तो हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि हम गले में जब तुलसी की माला धारण करते हैं, हम गले में जब रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, एक लोटा भरा हुआ पानी भी अगर हमने अपने शरीर पर डाला, तो वो तुलसी और रुद्राक्ष से होकर जब इस श्री विग्रह पर, जब इस शरीर पर जाता है, वो पानी तुलसी का लगा हुआ, वो रुद्राक्ष का लगा हुआ जल जब इस शरीर पर जाएगा, तो हमें गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती सबके स्नान का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। मात्र उस जल का स्पर्श हो जाने पर, तुलसी के जल का, रुद्राक्ष के जल का मात्र अपने ऊपर सिंचन ही हो जाने पर वो फल की अनुभूति हो जाती है, वो फल प्राप्त हो जाता है। क्यों ना पहने? आप में से हम विचार करें, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, गले में अगर आपके तुलसी की माला है और आप प्रतिदिन स्नान करने के लिए वाले वॉशरूम में जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर आपके शरीर पर डल रहा है, तो वो तुलसी से निकलकर इस शरीर पर जब जाता है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती के स्नान का पुण्य मिल जाता है। गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, आप अगर स्नान करें हैं और रुद्राक्ष का जल आपके शरीर पर जा रहा है, तो उसका फल हजार गुना प्राप्त हो जाता है, हजार गुना फल। अरे कितना सुंदर भाव कहा है महाराज जी कि स्कंद पुराण में 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है, शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन। शिव महापुराण और स्कंद पुराण कहती है कि मात्र अगर रुद्राक्ष का जल ही, केवल एक रुद्राक्ष का
अगर असली रुद्राक्ष अगर आपके पास में है और उसको पानी में गलाया गया है और उसका जल ही अगर हम आचमन कर लिया तो उससे भी हजारों रोग हमारे समाप्त हो जाते हैं, मात्र रुद्राक्ष का जल का आचमन ही कर लेने पर वो औषधि का कार्य भी कर जाता है, वो आनंद की अनुभूति भी कर जाता है। शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास जाकर कहते हैं कि अब इस सृष्टि का जो निर्माण है, इस सृष्टि का जो निर्माण मुझे करना है उसमें संसार की जितने जीवों का हम निर्माण करेंगे उन जीवों को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ सुख हमें किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम इन सुख को जोड़ेंगे नहीं तब तक वो जीवित नहीं। जैसे मछली को बनाया तो सबसे पहले जल से पूछा गया, हे जल नारायण आप बताओ हम मछली बना रहे हैं आप इसको साथ दोगे, आपको जीवित रखना पड़ेगा इसको। तो जल ने कहा क्यों नहीं, अगर ये मछली जब तक पानी में रहेगी, जब तक जल के अंदर रहेगी तब तक ये मछली जीवित रहेगी, अगर ये जल में है, अगर ये जल में विराजमान तब तक ये जीवित है। बस इससे निवेदन केवल इतना है कि ये मछली जल से दूर ना जाए, मेरा संग अगर इसके पास में है, मेरा साथ अगर इससे जुड़ा हुआ है तो ये फिर मरने वाली नहीं है, ये पक्का है। ठीक है, मछली से कहा आपको जल के अंदर रहना पड़ेगा, जल का संग मत छोड़ना तो आप जीवित रहोगी। मछली ने कहा ठीक। फिर वृक्षों को देखा, क्योंकि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो ये वृक्ष पेड़ पौधों की है। इन वृक्षों को जाकर निवेदन करा कि अब आपका हम निर्माण कर रहे हैं, पर आपका निर्माण तो कर रहे हैं पर आपको जीवित रहना है। तो पृथ्वी से कहा कि आप इन वृक्षों को जीवित रख सकती हो, पृथ्वी ने कहा क्यों नहीं। बस बात इतनी सी है, अगर वृक्षों को जीवित रहना पड़ेगा तो पृथ्वी कहती है मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा, अगर ये मुझसे जुड़ी रहेंगे तो इनको मैं जीवित रख दूंगा, ये मुझसे जुड़े रहे। और आप सब जानते हो, आप तो पांडेतारा के इस गांव में निवास भी करते हो और अपनी प्रकृति को स्मरण भी आप करते हो, तो आप सबको ये मालूम भी होगा कि पृथ्वी से जब तक वृक्ष जुड़ा रहता है तब तक वो जीवित रहता है, और पृथ्वी से जैसे ही वृक्ष निकल जाता है, उसकी जड़ें छूट जाती है, वैसे ही वो भी वृक्ष सूख जाता है, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता, फिर वो सूख, उसका महत्व समाप्त हो गया। फिर मनुष्य बनाया, मानव, मानव का शरीर का निर्माण कर, तो मानव शरीर का जब निर्माण करा तो ब्रह्मदेव ने डायरेक्ट जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, भगवान शिव से, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने पूछा क्या बात है ब्रह्मा जी, आज तो आप हमारे पास में आयो, हो क्या गया ऐसा, कैसे आना होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज जी बस आने का कारण केवल इतना सा है कि अब हम मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं, मानव शरीर का निर्माण कर रहे हैं, तो मानव शरीर को जीवित अगर रहना है, मानव शरीर को अगर मनुष्य शरीर को बनाए रखना है तो उसके निर्माण में आपकी जरूरत है। शंकर जी ने पूछा वो कैसे, शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार को अगर श्वास प्रदान करने वाला है, संसार को अगर दुख का नाश करने वाला है, संसार को अगर जीवित रखने वाला है, संसार को अगर मनुष्य देह को स्थिर रखने वाला है तो वो देव महादेव है, वो शंकर है। तो आपसे निवेदन केवल इतना है कि हम मनुष्य का जब निर्माण करें तो हमारा भोलेनाथ, हमारा शंभु, हमारा शंकर, हमारा देव अधिदेव महादेव इनको जीवित रखने में संग प्रदान कर।
इनको जीवित रखना है। अगर मनुष्य को जीवन दान दिया है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर आप ही दे सकते हो। फिर वही वाली बात आ गई, महाराज जी बहुत ध्यान से सुनना, सबसे कठोर धातु लोहा, लोहे की तलवार बनती है, लोहे की गुप्ती बनती है, लोहे का फरसा बनता है, लोहे की बंदूक बनती है, सबसे कठोर धातु है लोहा। लोहा ये विचार करता है कि अगर मैं चाहूं तो संसार को नष्ट कर दूं, मैं चाहूं तो किसी को भी मार सकता हूं। पर लोहे को जब अहंकार आ गया तो लोहे के सामने अग्नि आकर खड़ी हो गई और अग्नि ने कहा तो चिंता मत कर, तुझसे ज्यादा कठोर मैं हूं, मैं कभी भी तुझे गला सकती हूं, और लोहे को अग्नि गला देती है। फिर एक दिन अग्नि को भी अहंकार आ गया और अग्नि ने विचार करा कि मैं इतनी प्रबल हूं कि सब जगह पर आग लगा सकती हूं, सबको नष्ट कर सकती हूं। तो वहीं आकर पानी खड़ा हो गया। पानी ने कहा घबरा मती, तुझसे ज्यादा कठोर मैं हूं। एक लोटा पानी डाला ना, ठंडा कर दिया। अब पानी को अहंकार आ गया, पानी को लगा कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, कहीं पर भी तहलका मचा सकता हूं, हर किसी को नष्ट कर सकता हूं, किसी को भी डुबा सकता हूं, किसी के भी घर बस्ती को मैं पानी में ले जा सकता हूं। तो पानी के भीतर अहंकार था, वहीं पर आकर मनुष्य खड़ा हो गया। मनुष्य ने कहा चिंता मत कर, एक लोटा पानी भरा, वहीं खड़े खड़े डकार गया। ले अब देखिए, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य, और मनुष्य ने विचार करा कि मैं सर्वस्व हूं, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। अहंकार में जब मानव डूब गया तो मनुष्य को बीमारी निगल गई, बीमारी ऐसी लग गई, बीमारी ने कहा तुझसे ज्यादा कठोर मैं तुझे पूरा निगल सकती हूँ। एक बीमारी मनुष्य के शरीर में लगती है और वह अच्छे अच्छे सूरमा को भी निगल जाती है। पर बीमारी ने विचार करा कि मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं अच्छे अच्छे को निकल गई, अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल गई। तो बीमारी ने जब अहंकार करा, उतने समय में स्वयं कालों का काल महाकाल आकर खड़ा हो गया और बीमारी को ही निकल गया। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शंकर की अगर आराधना कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो, शंकर की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शिव आराधना में डूबे हुए हो, अगर शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये पक्का है कि काल भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, काल भी नहीं बिगाड़ सकता। बस थोड़ा जागरूक हो। आया है, अब लोग कहते हैं गुरु जी कोरोना महामारी आई है, बड़ी विचित्र आई है। बिल्कुल आई है, ये कोरोना वायरस आया है गुरुदेव, बहुत बर्बाद कर रहा है, गांव की गांव, नगर की नगर, शहर की शहर। देखो आप महाराष्ट्र की स्थिति, मध्य प्रदेश क्या, यूपी क्या, हरियाणा क्या, पंजाब क्या, बंगाल क्या, असम क्या, गुजरात क्या, स्थिति देखिए कितनी विचित्र। इतनी कोरोना महामारी फैली हुई है गुरुदेव, भय सा लगने लगा है, ऐसा लग रहा है कि ये मौत का एक जाल बिछा दिया गया। पर शंकर की कथा कह रही है जैसे तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और तुलसीदास जी एक जगह जाने लगे, एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और दौड़ कर आकर कहता बाबा उधर मत जाना, बिल्कुल मत जाना उधर। तो तुलसीदास जी ने पूछा क्यों? बाबा उधर से एक बेल आ रहा है और वो आपको मार देगा, उधर मत जाना। छोटा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है बाबा उधर मत जाइए, बाबा उधर मत पहुंचे। तुलसीदास जी ने कहा बेटा तू मुझे जानता नहीं है, तुझे ये मालूम नहीं है क्या कि मैंने चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्या तुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने इस संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में, विश्व में भगवान का दर्शन करा है, राम को देखा है, हर जगह पर मैं राम का दीदार करता हूं, तो अगर बेल मुझे मारने आएगा तो उसमें भी तो राम ही होगा, तो बेल मुझे मार नहीं सकता बेटा। और बच्चे को समझाकर तुलसीदास जी आगे बढ़ गए। सामने से बेल आया, तुलसीदास जी को सींग पर उठाया,
पटक दिया, पांव से रोंदा चले गया। तुलसीदास जी दौड़ते हुए आए, घाट पर बैठकर उन्होंने कलम उठाई और चौपाई काटने लगे। जैसे ही चौपाई काटने लगे तो हनुमान जी सामने आकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने पूछा, तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, रामायण की चौपाई काट रहा हूं। कौन सी? सिया राम मैं सब जगह जान, मैंने सब में राम देखा, हर एक में मैंने राम का दर्शन करा, इसलिए उस चौपाई को मैं काट रहा हूं। क्यों काट रहे हो? कि जब मैंने सब जगह राम को देखा, बेल में भी राम देखा, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले, रे तुलसीदास, तूने बेल में राम को देखा और वो बच्चा बोलने आया था कि उधर मत जा, तो उसमें राम नहीं देखा, राम तो उसमें भी था ना। जब बच्चा बोलने के लिए आ रहा है कि उधर ना जाइए, तो क्यों जा रहे हो? कई लोग कहते हैं भगवान नहीं आ रहा बचाने के लिए, क्या शंकर नहीं आ रहा बचाने के लिए? कई लोग कहते हैं भगवान गुरुदेव तुम्हारा शिव कहां गया, तुम्हारा भगवान कहां गया, तुम्हारा प्रभु कहां गया, कहां गए वो राम और कृष्ण, कहां गए शंकर, कहां गए वो देवता? हम कहते हैं कि बार बार आकर कभी प्रधानमंत्री जी, कभी मुख्यमंत्री जी, कभी कलेक्टर, कभी DSP, कभी SDM, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस वाले बार बार तुम्हारे सामने आकर कह रहे हैं कि मुंह पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, हाथ को बार बार धो, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखो, तो भगवान का ही तो रूप रख कर आकर बोल रहे हैं कि मत आप बाहर निकलो। उसके बाद भी तुम सारा नियम तोड़कर वही तुलसीदास जी जैसे कि बेल के सामने चले जा रहे हो, उस कोरोना महामारी में चले जा रहे हो, तो भगवान क्या करेगा? तुम खुद ही आगे बढ़कर ये कार्य करोगे और बाद में भगवान को दोष दो, तो भगवान को दोष क्यों लगे? क्यों लगे? किस लिए? बस निवेदन इतना है, भय मत खाइए, भय मत खाओ। कमाने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, पूरा जीवन कमाने के लिए रहा है, और खूब कमाओगे, फैक्ट्रियां भी चार लगा लोगे, दुकान भी खोल लोगे, जायदाद भी बढ़ा लोगे, सब हो जाएगा। पर कब होगा? जब ये शरीर रहेगा तब मालूम पड़े कि तुम बाहर निकले और कोई वायरस तुमको लग गया, तो तुम कमाने के चक्कर में भूल गए कि कोई वायरस है, नहीं लगाया मास्क, नहीं लगाई दूरी, तुमने प्रयोग ही नहीं करा बार बार हाथ धोने का, और वायरस लग गया, तो विचार करो फिर कमाने का मौका मिलेगा क्या? फिर क्या ऊपर जाके कमाओगे? इसलिए इस शरीर का मूल तत्व समझो, हीरा को परखियो राम कोई नहीं रहे। इस शरीर के मूल तत्व को हमें समझना है, भय नहीं खाना है, हमें डरना नहीं है। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो, और जो भय खा रहे हैं, जिनको लग रहा है कितना सुंदर, कहा महाराज एक सुंदर, एक व्हाट्सएप पर एक न्यूज थी कि आधे से ज्यादा लोग वायरस के उस लगने पर बीमार हुए वो अपनी जगह पर हैं, पर दुनिया के लोग जो मर रहे हैं वो टेंशन में मरे जा रहे हैं कि ये हम अब होगा क्या, अब होगा क्या। अरे भगवान के भरोसे छोड़कर भगवान शिव का गुणगान करो, स्मरण करो। किसी बच्चे ने एक बहुत सुंदर मैसेज किया है सीहोर, उस मैसेज को भेजा गया, समीर जी ने यहाँ भेजा है कि गुरुदेव से कहना कि शिव महापुराण की कथा लगातार देते रहें, जिससे सारे हमारे मोहल्ले के लोगों का मन अब कोरोना महामारी की ओर से हटकर भगवान की कथा में लग जाता है, तो थोड़ी देर चैन की नींद आ जाती है, नहीं तो रोज वही की वही कथा, वही की वही कोरोना कोरोना चलता रहता है। तो इससे जागरूकता बने, आप जागो, मौका मिल रहा है स्मरण करने का, भय ना खाइए, डरिए ना, बस थोड़ा सा व्यवस्था बना कर चलिए। जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर एक बार बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर का मूल मंत्र है, या ओम नमः शिवाय जपिए पंचाक्षर मंत्र है, या मर्जी पड़े आपकी तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, पर कहीं मत जाओ, अपने घर में बैठकर भगवत स्मरण में डूबे रहो।
शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान शंकर से, शिव से निवेदन कर रहे हैं, हे भोलेनाथ, हे शंभु, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है भोलेनाथ। शिव जी ने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि संसार के लोगों को मुझे रखना है तो मना नहीं है। पृथ्वी से कहा वृक्षों को आप जीवित रखना, जल से कहा मछली को आप जीवित रखना, जल ने कहा मछली मेरा संग रहेगी तो जीवित रहेगी, पृथ्वी कहती है वृक्ष मेरा साथ रहेंगे तो जीवित रहेंगे, शंकर जी कहते हैं संसार का मनुष्य मेरा भजन करता रहेगा तो जीवित रहेगा, अगर मुझसे वंचित हो गया, छूट गया, तो उसकी कोई जवाबदारी, उसकी कोई गारंटी नहीं, वंचित अगर है तो उसका कोई सुख। शिव स्मरण करें, शिव का अनुमोदन करें। भगवान शिव कह रहे हैं आप क्यों चिंता करते हो ब्रह्मदेव, आपका कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, आप निर्माण करें। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, मना नहीं है, पर इस सृष्टि का निर्माण तो मैं कर दूं, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि सृष्टि बनाने के बाद इस सृष्टि को चलाने वाला कौन होगा, इस सृष्टि का निराकरण कौन करेगा, और कौन संसार के सागर में इस मानव शरीर में, हो सकता है कि इस संपूर्ण विश्व सागर में किसी को तन की तकलीफ हो, किसी को मन की तकलीफ हो और किसी को धन की तकलीफ हो, उसकी पूर्ति कौन करेगा। मान लो अगर मैंने बना भी दिया इस संसार सागर को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर मैंने बना दिया इस संपूर्ण सागर को, अगर मनुष्य की देह भी बना दी तो इसका भरण पोषण करने वाला कौन होगा। शिव कह रहे हैं ब्रह्मा आप केवल निर्माण करिए, बाकी का सब शिव कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दी, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से विनती कर कर गए और भगवान शंकर भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने देखा कि आज शंकर स्वयं आए, स्वयं शिव, हमेशा भगवान शिव के पास में भगवान विष्णु पहुंचते थे। हमेशा, और आज स्वयं त्रिकालदर्शी शंकर भगवान विष्णु के यहां, तो भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए कि भोले नाथ आए हैं, आइए प्रभु पधारो, आपका आगमन हुआ है नाथ। भगवान शंकर जैसे ही सामने पहुंचे तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी संपूर्ण कार्य को छोड़ दीजिए और संपूर्ण कार्य छोड़कर आज भगवान देव अधिदेव महादेव आए हैं उनके आदर में लग जाइए। बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं, जाओ इनके आदर में, इनके सम्मान में, इनके सत्कार में लग जाओ, जय। लक्ष्मी जी सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता लक्ष्मी ने जैसे भगवान विष्णु ने कहा कि इनका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, तो लक्ष्मी जी अगर सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता पार्वती के पास गई और जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछ लिया, लक्ष्मी कैसे आना हुआ, क्या बात है, तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों आई हो। लक्ष्मी जी बोली, पार्वती आज भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, आज त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव बेकुंठ में आए। पार्वती जी बोली कि शंकर और बेकुंठ,
क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी बोली, बस चाहना क्या है, आपसे निवेदन केवल इतना है कि आप ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और मैं उनका आदर करना चाहती हूँ, सम्मान करना चाहती हूँ, सत्कार करना चाहती हूँ, शंकर को रिझाऊं कैसे मैं, बस इतना बता दो और कुछ नहीं। मैं भूत भावन भूतेश्वर को रिझाऊं कैसे, मैं शंकर जी को मनाऊं कैसे, बस इतना बता। पार्वती जी के मुख से निकल गया कि एक लोटा पानी भर लो और शंकर जी पे उंडेल दो, शिव जी पे चढ़ा दो, बस शंकर तो राजी हो जाएंगे, इससे ज्यादा शंकर को चाहिए क्या? अब लक्ष्मी जी ने बड़े मन से पार्वती से कहा कि शंकर को पानी तो चढ़ा दूंगी मैं, पर एक निवेदन करूं मैं कि शिव को कौन सा जल प्रिय लगता है, हम शंकर को कौन सा जल चढ़ाने कि शंकर प्रसन्न हो जाए। पार्वती, तुम्हारे घर में अगर कोई अच्छा जल रखा हो ना तो एक पात्र भरकर हमको दे दीजिए, तो हम शिव जी को चढ़ा देंगे। और शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि मंदिर जाओ तो मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के ही शंकर को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण कहती है अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो अपने घर का जल लेकर। किसके घर का जल? अपने घर का, दूसरी जगह का नहीं। आपके द्वारा लाया गया, आपके द्वारा लेकर गया हुआ जल। अब पार्वती जी से लक्ष्मी जी ने एक लोटा पानी मांग लिया और वो जल ले जाकर लक्ष्मी जी जैसे ही पहुंची बैकुंठ में, भगवान शंकर को देखा, शंकर जी को देखकर लक्ष्मी जी ने एक लोटा पानी शिव जी पे डाल दिया। शंकर भगवान, अब अभी तो भगवान विष्णु को बोलना था हर हर महादेव, शंकर भगवान खुद बोल दिया हर हर महादेव। तो जैसे ही बोले हर हर महादेव तो भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया भोलेनाथ जी से, प्रभु क्या बात है, आप हर हर महादेव बोल दिए? शंकर भगवान बोले बात इतनी सी है कि बताओ पानी भी हमारे घर का लेके आइए, जो चढ़ा रही है वो पानी भी हमारे घर का। अरे कभी कंस के जन्म की कथा सुनी होगी आप लोगों ने भागवत जी में, कि कंस का जन्म क्यों हुआ? इतने अच्छे राजा के घर में, जिसके घर में सब धर्मात्मा थे, उसके घर में कंस जैसा बेटा कैसे पैदा हो गया सा? उसका कारण केवल इतना सा था, ये कंस कौन था? पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल। और कुबेर क्या करता था कि रोज इस द्वारपाल से कहता था कि मैं शंकर जी की पूजन करने जा रहा हूं तो मुझे फूल ला कर दे दे। और ये द्वारपाल जाता था और बगीचे में जाकर और फूल तोड़ के ले आता था, और फूल तोड़ के लाता और कुबेर को दे देता, कुबेर जी शंकर जी को चढ़ा देते। तो शंकर जी को चढ़ाते तो ये जो द्वारपाल था, ये जिसके बगीचे से फूल लाता था, ना तो बगीचे के मालिक से पूछता था, ना बगीचे के सेवक से पूछता था, ना पेड़ से पूछता था, ना वृक्ष से पूछता था, ना डाली से पूछता था, और फूल तोड़े और लेकर आया और भगवान को चढ़वा दिए। बस इसलिए तो यह शास्त्र कह रहा है, भले फूल लाकर उसने दिए, शंकर जी को भले चढ़े, पर गलती एक कर दी कि जिसके पेड़ थे, जिसके वृक्ष थे, जिसका पौधा था, ना तो माली से पूछा, ना पौधे से पूछा, ना वृक्ष से पूछा, अर्थात फूल की चोरी कर भगवान को समर्पित करवाता था, इसलिए इसका कंस का जन्म हुआ। कारण केवल इतना सा था कि अगर हम भगवान को अगर एक फूल भी चढ़ा रहे हैं, हम भगवान को अगर रिझा रहे हैं तो भगवान को अगर फूल भी चढ़ा रहे हैं तो प्रयास करना कि पड़ोसी की अगर बाउंड्री से फूल तोड़कर ला रहे हो तो पहले पड़ोसी से पूछो क्या हम फूल लेकर चले जाएं, क्या हम फूल ले आए। बगैल परिवार से भी निवेदन है, ध्यान रखना 7 दिन कथा चले, बेलपत्री भी अगर तोड़कर ला रहे हो तो पहले जिसके घर में पेड़ लगा है उससे पूछो कि हमें ये बेलपत्री ले जाएं, हमें शिव पुराण पर चढ़ाना है, हम क्या फूल तोड़ लें, हमें
पूजन के लिए चाहिए माता रानी के लिए, या शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए, हम दुर्वा तोड़ लें, या तो अपने बगीचे में लगा हो, अपने खेत में लगा हो, अपने गार्डन में लगा हो, अपने फार्म हाउस पर लगा हो, तो तुम प्रेम से तोड़ लो, कोई मना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा है। पर अगर किसी दूसरे के यहाँ से लेकर आ रहे हो तो पहले हमें पूछना पड़ेगा, क्या हम आपकी ये वस्तु लेकर चले जाए? अब ऐसे तो एक माताजी की चप्पल खो गई और माताजी ने कहा, गुरुजी हम तो तुम्हारी कथा सुनने आए थे और हमारी चप्पल चोरी चली गई। मैंने कहा अच्छा है, भगवान ने कृपा कर दी, तेरे वैसे ही समय बेकार चल रहा था, तेरा शनि राहु केतु दूसरा ले गया, अच्छा भगवान ने बड़ी कृपा करी तेरे ऊपर। फिर तुम कैसे गई? आओ हम दूसरे की ले गए। मैंने कहा हे भगवान, खुद का शनि गया था, दूसरे का केतु पकड़ लाई। अब लाभ क्या हुआ ये बताओ, सुख की अनुभूति क्या हुई है? हमें नहीं चाहिए। हम अगर भगवान को रिझा रहे ना महाराज, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान को रिझा रहे हो, तुम्हारे पास में कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। शंकर को एक लोटा पानी हो तो चढ़ा दो, घर का हो तो चढ़ा दो, अगर पानी भी नहीं है तो शिव को रिझाने के लिए 3 बार ताली बजा दो, चल जाएगा। इतना भी नहीं है तो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र भी नहीं है तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा दो, और बेलपत्री भी नहीं है तो शंकर को प्रणाम कर लो। इतना भी नहीं कर सकते कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के दरवाजे को प्रणाम कर लो, मंदिर के दरवाजे को भी प्रणाम नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर को प्रणाम कर लो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस इतना भी कर लिया। और ये भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ तो भी शंकर करुणा कर देता है, तो भी शिव कृपा कर देता है। मात्र निकल कर जाने पर भी शिव की करुणा शिव की कृपा हो जाती है, मात्र उसके दरवाजे के सम्मुख से निकलकर चले गए वही सुख हो गया। महाराज काहे की नैया बनी कौन है खिवैया, जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले Okay।
बाबा जाना है।
की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। अरे बोले लता देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा दे, शिव को उस वस्तु से रिझाने का प्रयास करो। शंकर को बाहर से कुछ लाकर देने की जरूरत नहीं है। करो मंत्र जाप, करो नाम जाप। अरे भाई, घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, अगर सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में भक्ति होगी तो भगवान की नजर जरूर होगी। ये पक्का, भगवान की दृष्टि आप पर पड़ी रहेगी। अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो, आप शिव का स्मरण कर रहे हो तो, आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप भगवान भक्ति का नाम जाप कर रहे हो तो भगवान की दृष्टि पड़ी हुई। करो भजन बस। भगवान शिव ने जैसे कहा हर हर महादेव, भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ बात हो गई है। महाराज हर हर महादेव शंकर जी बोले मतलब भगत बोले चल जाए, पर भगवान बोले तो नहीं चले हो। और आज तो भगवान खुद बोल रहे हैं हर हर महादेव। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया, अब मन में बात रह भी नहीं चाहिए, रख के करो क्या। एक गुरु के सामने, माता पिता के सामने, घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़े के सामने अपने दिल की बात कह देना चाहिए। और अगर किसी से नहीं कहो ना तो गुरु से तो कही दो, या अपने जो इष्ट हैं, अपन जिनको मानते हैं, अपन जिसको पूजते हैं, उसके सामने कह दो। अपने दिल की बात कहने में पीछे नहीं हटना। एक ये पत्र आया देखो आप, नरेंद्र कुमार जी पांडे हैं, प्रतापगढ़ से हैं आप। महाराज जी, पांडे जी कहाँ बैठे हैं? अच्छा, आप ही आए। कहा है गुरु जी, बहुत चिंता रहती थी, पर जब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक माला कर रहा हूं केवल 2 महीने में। देखो बाबा ने कृपा करी, कार्डलेस दो जरा इनको, माइक दीजिए। केवल 1 महीने में ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि सोचा भी नहीं था। पांडे जी कहाँ से आया? मैं गुरुवर प्रतापगढ़ सदर बाजार से आया हूँ जी, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने अपने जन्म में सोचा नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। नहीं नहीं बाबा की, मैं कृतार्थ हो गया और मैं बघेल परिवार का ऋणी रहूंगा आजीवन, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और आप तक आने का मौका दिया। बाबा की ये तो कृपा है। आपको भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप क्या फल देगी, आप खुश होकर मेरे को जरूर बताएं। बाबा जी मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो गुरु मंत्र दिया है मैं मरते दम तक इसको छोड़ूंगा नहीं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जी। मैं बिना इसको किए घर से नहीं निकलता बाबा जी, बाबा की कृपा है ये तो। भोलेनाथ बहुत कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर और ये सब आपका दिया हुआ है बाबा। मैं आपको फिर से साष्टांग करता हूँ। नमः शिवाय। बैठिए बैठिए। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आपने आपके पत्र में लिखा है कि मेरी बेटी का एग्जाम में भी पास हो गई, उसका बहुत कुछ फल मुझे मिला है। ना आपसे हमारा कभी मिलना हुआ, ना आप हमें जानते, बस केवल टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी है और उस मंत्र को जपा जिस मंत्र को इस शिव महापुराण का गुरु मंत्र कहा जाता है। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बार बार लोगों से कहते हैं अगर दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया, माना ये कोरोना जैसा वायरस आ गया, कई लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, उनसे निवेदन है इस मंत्र को मत छोड़ो, आप जपते रहो साहब, आप जपते रहिए, आप जितना स्मरण करोगे इस मंत्र का, अरे विचार करो, राजा श्वेत के प्राण लेने के लिए यमराज आ गया और राजा श्वेत को नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु अभी लिखी है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है ये किसको मालूम है साहब, किसको मालूम? कौन सा दान, कौन सा पुण्य, कौन सा भजन, कौन सा संकीर्तन, कौन सा मंत्र जाप हमारे कब काम आ जाए ये किसी को नहीं मालूम। एक राजा के मन में आया कि मैं राजा हूं पर मुझे ये नहीं मालूम कि मरने के बाद होता क्या है, मेरे को जानना है कि मरने के बाद क्या होता। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया कि तुम मरो और हमें खबर दो। तो मंत्री ने सोचा बताओ मर जाएंगे तो खबर कौन देगा, नहीं हमें मालूम करना है कि मरने के बाद क्या होता है, हमें तो उसकी खबर चाहिए। अब नगर में एक बहुत कंजूस व्यक्ति रहता था, उसने सोचा पैसा खूब मिलेगा, राजा बोल रहा है मुंह मांगा धन दिया जाएगा जो ये बता दे कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है, अंदर कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है। तो उस कंजूस ने सोचा एक काम करते हैं, पैसे के चक्कर में पैसा तो मिल जाएगा ना, एक काम करते हैं राजा से कह देते हैं कि मुझे कब्र में दफना दो, जैसे एक मुर्दे को लेकर जाते हैं वैसा मुझे लेकर जाओ और कब्र के अंदर मुझे दबा दो, ठीक है फिर मैं आपको 7-8 दिन बाद बता दूंगा कि अंदर हुआ क्या, बस थोड़ी सी सरंग छोड़ देना उसमें से हवा अंदर आती रहे, मैं फिर 10 दिन बाद बता दूंगा, ठीक। राजा ने कहा कर दो। कंजूस ने सोचा मुंह मांगा धन मिलेगा। इतने में कंजूस जैसे ही जाने लगा तो एक व्यक्ति उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया, भैया कुछ दे दे भूख लगी है, भैया कुछ दे दे। अब ये कंजूस तो कंजूस, अठन्नी नहीं दे किसी को, इतना बड़ा कंजूस, वो पीछा पकड़ लिया, उसने पांव पकड़ लिया, भैया 1 रुपया दे दे रे भैया, कुछ दे दे भैया, चवन्नी दे दे, भूख लग रही है भैया, भोजन दे दे। इसको गुस्सा आई, इसने कचरा पड़ा था, बहुत सारी पेड़ की पत्तियां पड़ी थी, सूखी पत्तियां, इसने उठा के उसके कटोरे में डाल दी, ले खा ले, और गुस्से में डाल कर ये चला गया और इसको लोग बांध बुंदा के ले गए, कब्र में दफना दिया, अंदर एक पाइप डाल दिया और उस पाइप में से बस इसको श्वास लेने के लिए छोड़ दिया। अब सब छोड़ छुड़ा के उसको दबा के चले गए। अब दबा के चले गए, एक दिन तो निकल गया, दूसरे दिन जो पाइप दिया था उसमें सांप घुसने लगा। अब जैसे सांप घुसने लगा बापड़े के प्राण छूटने लगे, भगवान पैसे के चक्कर में अच्छे मरे दादा, अब मर जाएंगे तो राजा को बताने कैसे आएंगे और बताएंगे नहीं तो रुपया कैसे मिलेगा। अब सांप अंदर घुसे इसके प्राण छूटे, फिर सांप अंदर जाए, इसने देखा कि सांप अंदर क्यों नहीं आ पा रहा, तो इसने देखा कि कुछ कचरा सांप को रोक रहा, सांप अंदर आ रहा और कचरा बीच में अड़ रहा, सांप फिर आ रहा कचरा फिर अड़ रहा। 7 दिन तक ये देखता रहा कि वो कचरा सांप को अंदर नहीं आने दिया। 7 दिन बाद इसको निकाला गया, राजा के सामने खड़ा किया गया, राजा ने पूछा बताओ क्या होता है कब्र में मरने के बाद, तो उस कंजूस ने कहा बस यही होता है कि जो हमने दान किया होता है वो हमारे आड़े आकर खड़ा हो जाता है, मैंने कचरा दान दिया था तो सांप को कचरे ने ही रोक दिया है।
हमने जो दान दिया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म करा, आप लोग जो गौ माता के लिए दान देते हो, ब्राह्मण भोज के लिए दान देते हो, आजीवन भोजन भंडारे के लिए दान देते हो, मंदिर निर्माण के लिए दान देते हो, सत्कर्म के लिए और दान देते हो, किसी के लिए आप पुण्य का कार्य करते हो, तो वो पुण्य तुम्हारा दान, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, जो शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, जो मंत्र का स्मरण आप कर रहे हो, जैसे भी पांडे जी बोले कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ऐसा मिल गया कि वो मंत्र मेरा जीवन संवार दिया। जिस मंत्र को आप जप रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता, जो आप दान कर रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता, जो पुण्य कर रहे हो वो साधारण नहीं हो सकता। ना जाने तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे आड़े आकर सम्मुख में आ जाए और तुम्हारे जीवन को बचा ले, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। इसलिए बारंबार जपते रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र का जाप नित्य करते रहो, स्मरण में डूबे। ये भाग है हमारा, ये पुण्यता है। आज शंकर भगवान स्वयं करें हर हर महादेव, भगवान शिव ने जैसे ही हर हर महादेव बोला तो पूछ लिया कि हर हर महादेव भगवान आप बोल रहे हो? भगवान विष्णु ने पूछा कारण क्या है? भगवान बोले कारण केवल इतना सा है कि दूसरी जगह का जल लाकर चढ़ाया, लक्ष्मी अंदर से लाकर एक लोटा पानी चढ़ाती तो मुझे सुख मिल जाता, मुझे नहीं चाहिए। भाई शंकर की सारे देवी देवताओं को तो लड्डू भी चढ़ाओ, चुंदड़ी भी चढ़ाओ, आभूषण भी चढ़ाओ, शंकर जी को तो बेलपत्री चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, नी भी हो तो तीन बार ताली बजायाओ, वो भी नी बने तो हर हर महादेव बोल दो, उतने में शंकर राजी हो जाते हैं। इससे बढ़कर कृपालु और कहाँ मिलेगा, ये बताओ। अरे वो चोरी करने के लिए चोर गया शंकर जी के मंदिर में और चोरी का सामान नहीं था, उजाला करने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, तो खुद का कपड़ा जलाया, त्रिशूल में लपेट कर आग लगा के चारों तरफ देख दिया चोरी का सामान, और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। चोर बोला मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले हम तो ये नहीं जानते कि तुम चोर हो कि कौन हो, पर तुमने हमारे मंदिर में शिवरात्रि के दिन उजाला करा, प्रकाश करा, दिया जलाया, आरती करी, मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मैं मांगना नहीं जानता। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तो मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूँ, जा कुबेर की कुर्सी पे तू बैठ जा। और चोर चले गया कुबेर की कुर्सी पर और कुबेर से जाकर कहा तुम नीचे उतरो। कुबेर ने बोला तू कौन? कि मैं चोर। तो तू चोर यहां कहां से आ गया? तो के शंकर जी ने भेजा। कुबेर बोला मैं हड़ताल करूंगा। चोर बोला जो करना करो। शंकर जी ने बोला कुर्सी नीचे उतरो, हम बैठेंगे। और चोर को कुबेर की कुर्सी पर बिठा दिया। कुबेर भगवान विष्णु के पास गए, नारायण नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? शंकर भगवान के मंदिर में किसी ने रात को अपना कपड़ा जलाकर आरती उतार दी, शंकर जी ने उसको कुबेर बना दिया और मुझे नीचे उतार दिया, बताओ आप हमारी कुर्सी वापिस दिलाओ। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोलेंगे। क्यों? भगवान विष्णु बोले नारायण कहते हैं मैं उतना देता हूं जितना भाग्य में लिखा होता है, ब्रह्मा उतना देते हैं जितना कर्म में लिखा होता है, पर शंकर ना कर्म देखते हैं ना भाग्य देखते हैं, शंकर तो बस इतना देखते हैं कि मुझे दिल से रिझा लिया तो उन्होंने तुरंत उठाकर चोर को ही कुबेर बना दिया, मर्जी उनकी। तो जिस दिवाली पर अपन कुबेर की पूजन करते हैं वो कुबेर कुबेर नहीं, वो तो चोट्टा है जिसको बिठाया गया, उस कुबेर को हम पूज रहे हैं। कुबेर के सिंहासन पर चोर को बिठा दिया शंकर भगवान, और जिसको कुर्सी पर बिठाया एक बार वही अहंकार में आ गया। होता है, कुर्सी मिलने के बाद किसको अहंकार नहीं आता, पद मिलने के बाद किसको अभिमान नहीं आता। चोर को यह अहंकार आ गया कुबेर को। कुबेर ने अपनी धर्मपत्नी से बोला सुन अपने पास में इतनी दौलत है पर आज तक कोई अपने घर में आकर देखता ही नहीं कि अपने पास कितना है। तो पत्नी ने बोला क्या करोगे? कुबेर बोला एक काम करते हैं, सबको निमंत्रण दे देते भोजन करने का। अच्छा दे दो। सारे देवी देवताओं के घर में निमंत्रण दिया है, सिगरी निमंत्रण। सिगरी निमंत्रण मतलब तुम्हारे यहाँ चूल्हा मत जड़ाना, सा परिवार भगवान विष्णु सा परिवार, ब्रह्मा सा परिवार, इंद्र सा परिवार, वायुदेव जल देव सब सा परिवार, और सबको निमंत्रण दिया पर शंकर भगवान को भूल गया। जिसने कुबेर का पद दिया था उसी को भूल गया। नारद जी ने आकर कहा कुबेर जी, शंकर जी को बुलाया भूल गए, अब जाओ बुलाने।
शंकर जी जाएंगे, अब जाएंगे तो जाओ जाओ, बोलो निमंत्रण तो दो। दौड़ कर गया, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर बोले महाराज जी हम सबको निमंत्रण दिया है थे, तुम्हें भूल गए थे। फिर नारद जी ने कहा तब हम आए। अब बताओ किसी को निमंत्रण देने जाओ तो ऐसा बोलना चाहिए? अगर भूल गए थे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि भूल गए थे, ये बोलना था कि परिवार के लोग हो, घर के लोग हो, इसलिए अपने घर वालों को बाद में भी निमंत्रण दिया जा सकता। पर वहां जाके क्या कर रहे, वो तो हम तुमको भूल गए थे, वो तो नारद जी ने याद दिलाई इसलिए हम केने आ गए। अब बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो, वो तो शंकर जी थे, पांडे तारा की माता होती तो पहले कह देती, हमको तो बहुत बुरा लगा भैया, बताओ इतनी बाद में बुलाया हमको। अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा अगर कोई तुमसे कहे कि हम तो बस भूल गए थे और तुमको बाद में बुलाने के लिए आ गए? अच्छा नहीं लगेगा? शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ? शंकर जी बोले देखो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती ना इसमें मैं नहीं जाता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में शादी होती होगी तो शमशान में पत्रिका देने जाते होगे? अरे बोलो तो, कोई जाता है शमशान में पत्रिका देने के लिए? नहीं। शंकर जी बोले भैया इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मैं अटेंड नहीं करता, मैं इतने बड़े बड़े फंक्शन में नहीं जाता, तो तुम्हारे यहां हमारे यहां किसको भेजोगे? शंकर भगवान बोले एक काम करेंगे गणेश जी को भेज देंगे। इतने में कुबेर बोला इतना सा गणेश क्या खाएगा? शंकर जी ने मन में सोचा खाएगा तो तुझे ही मालूम पड़ जाएगा, अभी तूने देखा क्या इतना सा गणेश हमारे यहां क्या खाएगा, फिर भी अब आप बोल रहे हो तो भेज देना, ठीक है हो कोई बात नहीं। इतने में कार्तिकेय ने जाकर माता पार्वती जी से कह दिया, माँ पिताजी ने बताओ भोजन करने के लिए गणेश जी को भेज रहे हैं, घर का बड़ा बेटा मैं हूं तो मुझे भेजना चाहिए ना। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा आपने कार्तिक को क्यों नहीं भेजा? शंकर भगवान बोले पार्वती तू नहीं जानती कि किसको कहाँ भेजना है, जब एक ही तारीख की दो चार शादियां होती है तो किसको कहाँ भेजना है ये घर की अम्मा बोलती है कि बेटा वहां चले जाना, बड़ा छोरा वहां चले जाना, बड़ी बहू वहां चले जाना, छोटा बहू छोटा छोरा वहां चले जाना, तो घर की जो माँ होती है पिता होता ना वो भेजते हैं, ठीक है। तो शंकर जी ने बोला मेरी मर्जी में क्यों भेज रहा हूं। जैसे ही गणेश जी आए शंकर जी ने कहा गणेश, हाँ पिताजी कुबेर के यहाँ भोजन करने जाना है। गणेश जी बोले मुझे मालूम था इसलिए एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, एक हफ्ते से नहीं खाया। शंकर जी मन में सोचे औलाद तो हमारी है, जब जाने की कहीं खुशी होती है ना तो लोगों को भूख नहीं लगती है। गणेश जी ने भी छोड़ दिया था खाना, और जैसे ही शाम को 7 बजे निमंत्रण चालू होना था गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। कितनी बजे पहुंचे? 4 बजे। और जाते ही आवाज लगाए कुबेर भैया, ओ कुबेर भैया। अब कुबेर जी तो नहीं आए, कुबेर जी की पत्नी आ गई, क्या बात है? गणेश जी बोले भोजन करने आए। अच्छा, कुबेर जी की पत्नी ने कुबेर जी से कहा कि गणेश जी भोजन करने आए, तो कुबेर जी बोले अभी काय को आगे 4 बजे से 7 बजे भोजन है, क्या करेंगे अभी से, हमें नहीं मालूम पर तुम वो अभी से आ गए। तो कुबेर जी बोले एक काम करो कि जितने लोग जिम के जाते जाए उनको जिमा दो और जाने दो, उनको खिलाओ और जाने दो, उनको खिला दो, खिला दिया जाए उनको, ठीक है। गणेश जी के लिए एक चौकी लगाई और चौकी पर श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया, चौकी पर गणेश जी को बिठा। और जैसे ही चौकी पर गणेश जी को बिठाया, गणेश जी से कहा खाओ, थाली लाकर रख दी, भोजन करना प्रारंभ करो। अब गणेश जी ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया तो गणेश जी कुबेर जी से पूछे भैया खाएं? हाँ खाइए। भाभी जी खाएं? हाँ हाँ खाइए। और गणेश जी ने जो खाना चालू करा 33 कोटि देवताओं का भोजन 15 मिनट में निपटा गया, 15 मिनट सब खा गया। कुबेर जी की पत्नी दौड़ते हुए कुबेर जी के पास पहुंची, प्रभु प्रभु। कुबेर जी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी को क्या हुआ? नहीं नहीं वो उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो खाने में लगा है, भोजन सब समाप्त तो हो गया, सूखा सामान रखिया। कुबेर के भंडार में जितना भंडार भरा था सारा की सारा ले जा के रख दिया, सब खा गया।
20 मिनट में तो सब समाप्त, और आवाज लगा के बोल रहे भाभी ले आओ। भाभी मन में सोचे चूल्हा में जा काला, अब लाए तो क्या लाए, कितना खिलाए, चूल्हे पे बना बना कर थक गए पर खाना बंद नहीं कर रहा, बड़ी आफत हो गई। भाभी ले आओ। भाभी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास। कुबेर जी ने पूछा क्यों क्यों घबरा क्यों रही है, हुआ क्या ये तो बता। बस वो मांगी मांग रहा है, सब समाप्त हो गया। देव ऋषि नारद आकर बोले श्रीमन नारायण क्या हो गया। नारद जी जैसे ही बोले तो कुबेर जी बोले तुम्हारे कारण हुआ है, हम जा ही नहीं रहे थे निमंत्रण देने, और निमंत्रण देने चले गए तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, और बेटा खाने में ऐसा जुटा है उठने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में नारद जी बोले पिताजी के पास वापिस चले जा। शंकर जी के पास कुबेर जी जाकर बोले प्रभु सब खा गया वो गणेश, सब खा गया, कृपा कर दो। शंकर भगवान ने एक दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर तुरंत कुबेर जी को दी, और कुबेर जी को देकर कहा ये गणेश जी को दे देना, ठीक है ले जा। अब कुबेर जी ने मन में सोचा खाया इतना सारा है तो एक दुबा से क्या होगा, कुबेर जी और दुबा तोड़ लिए तो दुबा का बंडल बना के ले गए और गणेश जी को दिया, और गणेश जी से कहा ले पिताजी ने भेजा। और जैसे ही गणेश जी ने दुबा ली और मुख में सूंड में रखी, और रखने के बाद गणेश जी खड़े होकर पेट पे हाथ फेर के बोले कल का टाइम और बता दो। कुबेर जी हाथ जोड़कर बोले जब तक कोई बुलाए नहीं तो जाना ही मत। उस दिन से गणेश जी का नियम है कि गणेश जी को लोग विराजमान भी करते हैं और गणेश जी को लोग विसर्जन भी करते हैं, विराजमान भी कर रहे हैं और विसर्जन भी। अहंकार आ जाता है व्यक्ति को, कभी कभी अभिमत्ता चरम तक पहुंच जाता है। सम्मुख शिव कह रहे हैं मैंने लक्ष्मी से ये नहीं कहा कि तुम मुझे ये दो। भगवान शंकर कह रहे हैं नारायण मैंने आपसे भी नहीं कहा कि मुझे कोई वस्तु प्रदान करो, पर अगर लक्ष्मी जी को जल भी चढ़ाना था तो अपने ही घर का चढ़ा देती, तो आज मुझे प्रसन्नता का भाव हो जाता, प्रसन्नता का भाव। ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शंकर भगवान विष्णु के आ गए। भगवान विष्णु ने आदर सत्कार करा, भगवान शंकर से पूछा भोलेनाथ कैसे आना हुआ है। शिव जी कहते हैं नारायण आने का कारण केवल इतना सा है कि संसार सागर में जब मनुष्य का जन्म होगा, मानव शरीर जब मिलेगा, उस मानव शरीर को अगर मान लो उसने भजन किया ना किया, उसने कीर्तन किया ना किया, उसने मंत्र जाप किया ना किया, उसने स्मरण किया ना किया, तो ऐसा कुछ करा जाए कि उस मनुष्य शरीर से आप रूप ही भगवत का भजन हो जाए, शिव नाम का स्मरण हो जाए, भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब स्फुटित हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए, ठीक है। तो भगवान बोले क्या कर सकते। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा प्रभु ये जो 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से निकलेगी ना, इस श्वास के अंदर आपसे निवेदन है कि आप इसमें समाहित हो जाए, बस इतना सा निवेदन, आप इसमें बस जाए, आप इसमें समा जाए। बहुत ध्यान देना, जब तक श्वास है तब तक शरीर है, जैसे ही श्वास समाप्त हो गई शरीर नहीं रहेगा, शव बन जाए। क्या बन गया? शव, शरीर समाप्त। फिर वो शरीर नहीं रहा है, वो केवल केवल एक शव बन गया, उसका मूल तत्व समाप्त हो गया। श्वास में शिव है, शंकर की कथा कर रही है, ये जो श्वास है शिव कह रहे हैं इसमें मैं समाहित हो जाता हूं, ओंकार समाहित हो जाता है। इसलिए बार बार आपको फिर निवेदन कर रहे हैं कि देखिए परमात्मा को हर बार धन्यवाद देना ना भूले, हर क्षण में हर पल में उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहो। जरा अखबारों को टीवियों को खोल कर देखिए, कई जगह आपको मिलेगा कि वहाँ ऑक्सीजन कम पड़ गई, ऑक्सीजन की टंकी कम पड़ गई। जरा विचार करो
एक मरीज को ऑक्सीजन की एक टंकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो पूरा परिवार हॉस्पिटल में खिन्न भिन्न हो जाता है। उस विचार करिए कि उस परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन दी होगी और किस तरह से निशुल्क देकर इस संसार सागर में कितनी ऑक्सीजन देकर संसार के लोगों को जीवित रखा होगा। उस परमात्मा को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए कि ये तेरी कृपा से हो, ये तेरी दया से हो रहा है, ये तेरी करुणा से हो रहा है, और तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता, ये तेरे द्वारा प्राप्त हो रहा है। महाराज, हर पल हर घड़ी हर क्षण हर श्वास में शिव का धन्यवाद दिया। चंचुला देवी ने बारंबार धन्यवाद दिया, बारंबार। चंचुला देवी जिस समय पर पार्वती जी की सखी बन गई थी, चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली जब बन गई थी, चंचुला देवी बस इतना कर्म चंचुला देवी ने जरूर करा था कि पति का साथ दिया, पति चोरी कर लाया, धन ला कर दिया, उसका भोग करा, पर सत्कर्म नहीं कर पाई चंचुला, कभी दान पुण्य धर्म नहीं कर पाई, अपने भोग में लगी रही, अपने भोग में। और जब अपने ही भोग में लगी रही, कोई सत्कर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं, चंचुला ने कुछ करा ही नहीं, पर जब प्राण छूट गए, शिव महापुराण की कथा के रस तत्व में डूबने के बाद चंचुला के जब प्राण छूट गए, तब चंचुला देवी पहुंची भगवान शंकर के कैलाश धाम पर, और पार्वती जी की जब सखी बन गई, तब पार्वती जी से बारंबार बस एक बात कहती रही कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, वो प्रेत योनि से छूट जाए। इतनी कृपा बस कर दो कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो, प्रेत योनि से छूट जाए, ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, ऐसी दया आप कर दीजिए। ठीक है, माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से कहा था कि तुम जाओ और जाकर देवऋषि नारद से कहो कि हमको हमारे पति के मोक्ष हेतु, उद्धार हेतु शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो, शंकर की। देवऋषि नारद ने मना कर दिया था कि मैं शिव महापुराण की कथा नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, कथा मेरा मित्र सुनाएगा, तुम रुको। आप लोग यदि कभी साउथ में गए हो, दक्षिण में, तो दरवाजे पर, शंकर जी के मंदिर के दरवाजे पर दो मूर्ति आपको नजर आएगी, एक देवऋषि नारद की, एक तुमरुका जी की। जैसे देवऋषि नारद के हाथ में करताल है, बीना है, उसी तरह तुमरुका जी के भी हाथ में करताल है, बीना है, बस नारद जी और तुमरुका जी में अंतर यह है कि नारद जी का जो स्वरूप है वो मनुष्य जैसा है और तुमरुका जी का जो मुख है वो घोड़े का लगा हुआ। कभी कभी आपने ऐसा मुंह देखा होगा, ऐसा शरीर देखा होगा कि हाथ में करताले वीणा है और मुख घोड़े का लगा हुआ, घोड़े का, वो तुमरुका जी जो शंकर की कथा में नित्य डूबे रहते, नित्य शिव स्मरण में हर पल हर घड़ी हर क्षण डूबे रहते। तुम रुका जी से निवेदन करा पार्वती मैया, माता चंचुला देवी ने, कि आप
शिव महापुराण की कथा सुना दो, ठीक है हम सुना देते हैं, पर बात केवल इतनी सी है कि आप हो बेधव्य और शिव महापुराण की कथा का जजमान जो होना चाहिए वो अखंड सौभाग्यवती नारी अपने पति के साथ बैठकर शिव महापुराण की पूजन करे, बस इतना ही तो चाहिए। तो चंचुला देवी के मुख से निकल गया, तुम रुका जी ये बताओ क्या कोई बेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा नहीं करवा सकती क्या? क्यों नहीं करवा सकती? करवा सकती, बस करना एक पड़ेगा क्या, कि जिस समय शंकर की पूजन हो, शिव महापुराण विराजमान हो, शंकर का अनुमोदन हो, उस समय पर जोड़े की जरूरत पड़ेगी। तो बेधव्य नारी भगवान शंकर से ये प्रार्थना करे कि मैं शिव की कथा को जब सुन लूं तो भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि मेरे प्राण अगर जाएं तो पति के लोक में जाएं और आने वाले समय में मैं कभी बेधव्य ना हूं, अखंड सौभाग्य लेकर जाऊं, ऐसी कृपा करना, अखंड सौभाग्य लेकर। आज हिंदू धर्म में चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है, आज नवरात्रे की चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए, सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे, तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है, उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर माँ जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, माँ इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूँ, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूँ, माँ बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है, वो सिंधारा दूज का। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, माँ जगत जननी, आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी एक भाव से निवेदन करो, हे माँ, हे दया करने, आप कृपा करें। ओढ़ चुनरिया लाल, ओढ़ चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से माँ, ओढ़ चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से। सब गाइए, ओढ़ चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से, ओढ़ चुनरिया
रानी से निवेदन करेंगे जय हो। Thank you.
की लाज मां रखना, ओ मेरी मेहंदी की लाज मां रखना, मेरी मेहंदी की लाज मां रखना, ओ लाज मां रखना, लाज मां रखना, लाज मां रखना, ओ लाज मां रखना, ओ मेरी मेहंदी की लाज मां रखना, मेरी मेहंदी ओ पाँव में महावर लाल जाऊं इस दुनिया से, अरे पाँव में महावर लाल में जाऊं इस दुनिया से, ए और चुंदरिया लाल जाऊं इस दुनिया से, चंचुला देवी माँ पार्वती से सिंजाना दूज के दिन निवेदन करती है कि मेरा सौभाग्य अमर कर दो और आपके सिवा कोई नहीं कर सकती, इसलिए माता के चरणों में चूड़ी भी दी, मेहंदी भी दी, टीकी भी दी, श्रृंगार भी दिया, वस्त्र भी दिया, इसलिए सिंधारा दूज के दिन आज के दिन सौभाग्य माती माताएं एक दूसरे को सिंधारा देती हैं, आज भी नियम है हमारा। प्रदान कृपा करो मां शिवजी कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए पधारे। तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा, तुमरुका जी हम कथा सुनना चाहते हैं, और कथा किसके लिए सुन रहे हैं तुमरुका जी आपको मालूम है? तुमरुका जी ने पूछा, प्रभु आप कोई भी कार्य करते हो तो जग कल्याण के लिए करते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो कथा सुन रहे हो वो चंचुला देवी के पति के मोक्ष के लिए सुन रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, पानी में डूब कर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, सर्प से डसे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। बहुत ध्यान देना महाराज, गरुण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण, इसमें वर्णन किया गया है कि कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। जो कुंवारी अवस्था में मर गए, बहुत ध्यान देने वाली कथा है महाराज, बहुत ध्यान देने। कुंवारी अवस्था में जो मर जाता है उसकी भी मुक्ति नहीं, उसका भी मोक्ष नहीं, उसकी भी गति नहीं। पर भागवत जी में आता है कि राजा परीक्षित को सर्प ने डसा था, आता है कि नहीं आता? सांप ने डसा राजा परीक्षित को,
और उसको मोक्ष मिला। तो पूछा गया कहा गया कि यदि पानी में डूबकर मरा हुआ मनुष्य सर्प के डसे से मरा हुआ स्त्री के हाथ से मरा हुआ इनकी मुक्ति नहीं है तो फिर तक्षक नाग के डसे से वो परीक्षित जो मरा उसकी गति कैसे होगी। बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सुंदर संवाद इसका। शास्त्र कहता है कि वो परीक्षित जिसको तक्षक नाग ने डसा है सुखदेव जी महाराज कौन है। सुखदेव कौन है जिन्होंने शंकर भगवान माता पार्वती को अमर गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। एक कोटर में तोते का अंडा गिरा हुआ है और वो तोते का अंडा भीतर बैठे बैठे अमर कथा सुन रहा है। वो तोते का बच्चा जब पार्वती को निंद्रा लग गई तो तोते के बच्चे ने हुंकारा भरा। वो तोते का बच्चा उसको मारने के लिए शंकर जी दौड़े तो वो तोते का बच्चा व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। तो तोते का बच्चा जो शुक है तोते के बच्चे को कहते हैं शुक और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। तो वो शुकदेव कोई दूसरा नहीं है। वो शुकदेव कौन है तो शिव महापुराण की कथा कहती है वही शंकर का एक अंश वही शिव का एक अंश शुकदेव के रूप में जिसने अमर कथा को श्रवण कर रखा था वो शुकदेव बैठकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसा स्वादन करा रहे थे। जब पूरी कथा सुखदेव जी ने सुना दी अंतिम क्षण बचा अंतिम क्षण पूरे स्कंद जब पूरे हो गए श्रीमद् भागवत के जब 18,000 श्लोक पूर्ण हो गए अंतिम क्षण में राजा को कह दिया सुखदेव जी महाराज ने कि अब सांप आने वाला है तुझे डसेगा। 7 दिन पूरे हो रहे हैं जल्दी से गंगा जल से मुझे तिलक कर दे गंगा रेती का दान कर दे तो मैं चले जाऊं। तो परीक्षित ने पूछा कहां जा रहे हो। सुखदेव जी महाराज बोले अब मेरे को जाना होगा क्योंकि सांप आएगा तुझे डसेगा। तो परीक्षित कहते हैं आप गुरु हो आपने कथा सुनाई है और सांप मुझे डसेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर तूने कथा को सुना है और कथा रसामृत का पान किया है तो तेरी नस नस में भगवान की कथा समाई है तो तू एक काम कर तेरे हृदय को जो अच्छा लगे उस नाम के जाप में बैठ जा। तो परीक्षित ने एक प्रश्न किया ये बताओ कि कथा भय से मुक्ति देती है ना। हाँ तो कथा अगर भय से मुक्ति देती है तो अब मुझे सर्प के डसने का भय नहीं है फिर क्या है। तो भगवान से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कर रहा है बस बात इतनी सी है कि जब वो सर्प का जहर मेरे शरीर में जाएगा तो मेरे शरीर की रोमावली में कृष्ण समाया होगा क्योंकि मैंने भागवत सुनी है तो मेरे शरीर में कृष्ण बैठा होगा। बस निवेदन इतना है वो जहर मेरे कृष्ण तक ना पहुंचे उसको रोकने का कोई उपाय बता दो। तब सुखदेव जी की आंख में जल भर गया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब तू शिव का स्मरण करना प्रारंभ कर दे। और परीक्षित के मुख से शंकर का जब नाम निकला तक्षक डसा पर जहर उस कृष्ण तक पहुंचने नहीं दिया। इसको कहते वात्सल्यता इसको कहते प्रेम इसको कहते स्नेह इसको कहते करुणता इसको वात्सल्यता इसको प्रेम इसको करुणता कहते इसको स्नेह। भागवत जी में आप लोगों ने सुना होगा और सुना वहां तक होगा जहां तक
भागवत जी में वर्णन है, पर देवी भागवत में सुखदेव जी और राजा परीक्षित का कुछ संवाद बड़े सुंदर सुंदर दिए गए महाराज। कभी योग लगे तो आप लोग देवी भागवत को उठाकर कभी पढ़ना, तो उसमें बड़ा सुंदर संवाद मिलेगा कि परीक्षित आखिरी में पूछ रहा है कि मुझे भय नहीं है मरने का, भय केवल एक बात का है कि जिस कृष्ण की कथा को मैंने सुना है, जिस कृष्ण के चरित्र को मैंने श्रवण करा है, वो कृष्ण मेरी रोमावली में समाया है, वो उस कृष्ण तक इस तक्षक नाग के जहर को मुझे पहुंचने नहीं देना, बस इतनी कृपा कर, वो ना पहुंच। ये दया ये करुणा आप कर दो। शिव महापुराण की कथा कहती है तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, सर्प का डसा, पानी में डूबा, स्त्री के हाथ से मरा, और गरुड़ पुराण में एक और बात लिखी है कुंवारी अवस्था में मरा हुआ। परशु महापुराण की कथा कहती है एक संवाद बड़ा सुंदर है, जिस समय पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, और सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे, भगवान ने अपना स्वरूप का जो दर्शन कराना था उसके पहले ब्रह्मा जी से कह दिया कि आधे पुरुष बना दो आधे स्त्री बना दो, पुरुष और स्त्री, हाँ आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने पूछा पुरुष और स्त्री कैसे, तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, अगर एक पुरुष बना रहे हो तो एक स्त्री बनाओ, दो पुरुष बना रहे हो तो दो स्त्री बनाओ, अगर दो पुरुष हैं तो दो स्त्री, एक पुरुष है तो एक स्त्री बनाओ, ठीक है आधे आधे दोनों को बना दो। अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण करा तो उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिला के बना दिया, तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करते करते पृथ्वी पर आकर देखे तो क्या देखा कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब किन्नरों को देखा तो भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई, जो ठहाका लगाकर भगवान हंसे तो भगवान ने पूछ लिया, भगवान पूछे शंकर भगवान ने पूछा क्यों नारायण क्यों हंस रहे हो, भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ जी आपको हंसी नहीं आ रही। शिव जी ने पूछा किस बात के लिए, ब्रह्मा जी को बोला था कि स्त्री और पुरुष बनाना, इन्होंने क्या बना दिया, पुरुष और स्त्री को मिलाकर किन्नर बना दिया, किन्नर। भगवान शंकर भगवान विष्णु को देखकर आंखों में जल भरकर बोले रे नारायण आपने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसा है। शिव कहते हैं सुनो ए नारायण, दुर्बल व्यक्ति पर, धनहीन व्यक्ति पर, बीमार व्यक्ति पर, शरीर से अपंग व्यक्ति पर, नेत्र विहीन व्यक्ति पर, श्रवण विहीन व्यक्ति पर, मुख बधिर व्यक्ति पर, शरीर से कष्ट भोग रहे व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो शंकर कहते हैं उस व्यक्ति पर जिस पर हंसा है उसके जैसा एक जन्म उस मनुष्य को लेना पड़ता है, उसके जैसा जिस पर तुम हंसे हो, किसी गूंगे पर, किसी विकलांग पर, हस्तविहीन पर, श्रवण विहीन पर, नेत्र विहीन पर, जिभ्या विहीन पर, वाणी विहीन पर, दुर्बल शरीर से हो, कोई शरीर से ज्यादा तगड़ा हो, कोई शरीर से दुर्बल हो, कोई धन से विहीन हो, उस पर देखकर नहीं हंसना। अरे हो सकता है
हमारे यहाँ तो शिव महापुराण कथा कहती है कब घोड़े के दिन फिर जाए, ये किसको मालूम है। अब तुम्हें अभी अभी देख लो ना भैया, तुम जाकर प्रतापगढ़ में देखना, इलाहाबाद में देखना, प्रयागराज में देखना, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, जहां जाकर देखना, एक से बढ़कर एक शोरूम है कपड़े के, पूरे सूरत में, जोधपुर में, जयपुर में, एक से बढ़कर एक कपड़े के बड़े से बड़े शोरूम बने हैं। प्रतापगढ़ में जाकर देखना, बड़े बड़े शोरूम बने हैं, हजारों हजारों रुपए के कपड़े उन शोरूमों में टंगे हुए हैं, हजारों रुपए के कपड़े टंगे। पर आज इस कोरोना के एक साल पहले निकल गया और ये डेढ़ दो महीना निकल चले, इस पूरे समय में अंदाजा लगा कर देखना कि वो हजारों का कपड़ा शोरूम में टंगा की टंगा ही रह गया और वो 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर कर निकल गया, करोड़ों का व्यापार। एक जरा सा मास्क मात्र 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसने भारत की भूमि पर करोड़ों का व्यापार कर दिया और वह हजारों रुपए के कपड़े शोरूम में टंगे की टंगे रह गए। कौन पूछता था इन मास्क को? अरे बोलो तो, कौन पूछता था इतने से टुकड़े को, कपड़े को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता था। 10 रुपए का मास्क कोई नहीं जानता था, कौन पूछेगा? पर हजारों रुपए के शोरूम में कपड़े टंगे की टंगे रह गए और वो 5 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का मास्क करोड़ों का व्यापार कर कर निकल गया। इसलिए याद रखना, कभी किसी पर हंसना नहीं, शोरूम भरे की भरे रह गए और 2 रुपए का मास्क कर रहे। नारायण, तुम अगर इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर, इन किन्नरों पर हंसे हो तो भगवान शंकर ने कह दिया, विष्णु तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। क्यों हंसो किसी पर? कोई विकलांग है क्यों हंसना? कोई हाथ के विहीन है क्यों हंसना? कोई नेत्र के विहीन है? किसी की वाणी शुद्ध नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति शुद्ध नहीं है, हो सकता क्यों हंसे? बाल्य अवस्था में वो द्रौपदी पूर्व समय में एक ब्राह्मण नहाने के लिए गंगा जी में गया, उसका अंग वस्त्र सहेलियों ने मिलकर, द्रौपदी ने मिलकर उस अंग वस्त्र को मात्र छुपा दिया और संत ढूंढता रह गया उस तन के छोटे से टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को ढूंढ रहा है संत। और सखियां द्रौपदी के साथ उस संत के लिए हंस रही हैं कि वो वस्त्र कैसे ढूंढ रहा है। संत के मुख से निकल गया, जिसने मेरा यह वस्त्र चुराया है, कहीं ले जाकर फेंका है, बहुत समय के बाद यह वस्त्र मुझे वापस मिला है, किसी ने मेरे साथ छल किया है, यही वस्त्र का छल जिसने करा है मेरे साथ, उसके साथ भी किया जाएगा। एक संत के मुख से निकली हुई वाणी को वो द्रौपदी को झेलना पड़ा और पांडव बैठे की बैठे रह गए और वो कौरव, वो दुशासन चीर खींचता रहा, कोई नहीं बचा पाया। तब द्रौपदी की आंख में जल भर गया, गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो गई, गुरु जी आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है, आज मैं नग्न हो रही हूं, आप बचाओगे नहीं? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, द्रौपदी तू भी ज्ञानवान है, तूने कृष्ण का अनुमोदन करा है, कृष्ण को भाई माना है, ध्यान लगा कर देख कि कर्म कौन सा करा था जिसके कारण आज तेरा चीर तेरे सामने खींचा जा रहा है। द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे भगवान को पुकार रही है और ध्यान लगाकर देख रही है कि मेरा कर्म कौन सा था जिसके कारण आज मेरा चीर खींचा जा रहा है। दुनिया के लोगों को जब तकलीफ आती है, पत्रिका में दोष देखते हैं, वास्तु का दोष देखते हैं, ग्रह का दोष देखते हैं, परिवार में दोष देखते हैं, पर दुनिया के लोग अपने अंदर का दोष नहीं देखते कि तुमने कर्म क्या करा था जो आज भोग रहे हो।
क्या कर्म करा है। द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे पुकारा भगवान को, प्रभु मैंने कर्म किया, और ध्यान लगा कर देखा कि एक संत का अपमान हो गया था, उसका अंगवस्त्र मैंने छुपा दिया था, इसलिए आज मेरा भी ये चीर खींचा जा रहा है, मैंने उसको नग्न अवस्था में छोड़ा था, इसलिए आज मेरा भी ये शरीर पर से वस्त्र जा रहा है। तब द्रौपदी ने कहा, अब मेरे कर्म के भाग को कोई काट सकता है तो भगवान काट सकता है। आपसे भी कहते हैं, अगर दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आ गया, मालूम पड़े कोरोना जैसी महामारी भी आपको सता रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो और भगवान का भजन करो, जिससे ये कर्म का खेल थोड़ा सा कट जाए, हमारा जो भोग है कर्म का ये थोड़ा कटे और भोलेनाथ हमको स्वस्थ करे। उस बाबा से विनती करते रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमः शिवाय करें, चाहे महामृत्युंजय का जाप करें, पर जपें, उसके जपने से तुम्हारा काल तुमसे दूर तो हो ही जाएगा। शिव का स्मरण, ए नारायण तुम किन्नरों पर हंसे हो इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। और आया समय जब द्वापर में भगवान कृष्ण आए, द्वापर में जब कृष्ण, कौरव और पांडवों का युद्ध होना, कहां पर हुआ था कौरव और पांडवों का युद्ध? कुरुक्षेत्र की भूमि। कौन सी भूमि है? कुरुक्षेत्र की भूमि। कहां? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। हस्तिनापुर से युद्ध लड़ने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र गए। क्यों भैया? हस्तिनापुर में युद्ध क्यों नहीं लड़ा? क्या हस्तिनापुर में जगह नहीं थी युद्ध लड़ने के लिए? थी। और भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि युद्ध के लिए भूमि वो होना चाहिए जिस भूमि पर एक दूसरे को मारने और काटने के लिए तैयार खड़े हों। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवान का भजन होता है, कोई कोई किराए का घर भी ऐसा होता है जिस घर में बैठकर भगवान का भजन करने का आनंद आता है, कोई कोई घर ऐसा होता है जिसमें भगवान की भक्ति का आनंद आता है, कोई कोई घर ऐसा होता है जहां कथा का आनंद आता है, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवत चर्चा का आनंद आता है, और कोई कोई जगह ऐसी होती है कि दो मिनट माला पकड़ के बैठो और क्लेश मच जाता है, थोड़ी देर कटोरी पड़ी उसके पीछे विवाद, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद, जरा जरा सी बात में विवाद और विवाद चालू हो जाता है, बीमारियां चालू हो जाती है, रोग चालू हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए इस भूमि का दोष है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर कंधे पर कांवड़ में रखकर तीर्थ कराने चले, कंधे पर माता पिता को लेकर श्रवण कुमार तीर्थ कराने जा रहे हैं अपने माता पिता को लेकर, और माता पिता से हरी चर्चा करते करते गए, और आगे जाकर श्रवण कुमार ने अपने मां बाप को छकड़े में बिठाया और उठाकर खड़ा कर दिया और अपने मां बाप से बोले, अंधे हो गए हो, पांव नहीं टूट गए तुम्हारे, खड़े हो, पैदल चलो। कौन बोले? श्रवण कुमार अपने माता पिता से करें कि आंखों से अंधे हो, पांव से थोड़ी ना, खड़े हो और पैदल चलो। श्रवण कुमार की मां ने, सुहांगी ने अपने पति शांतिन मुनि से कहा, श्रवण कुमार के पिता से, कि आज बेटे को क्या हो गया है? शांतिन मुनि ने सुहांगी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, सुहांगी चुप रहो, पैदल चलो, चलो पैदल। श्रवण कुमार ने मां बाप का हाथ पकड़ा, छकड़े से नीचे उतार कर अपने मां बाप को पैदल लेकर चले। थोड़ी दूर निकलने के बाद श्रवण कुमार अपने मां बाप के चरणों में गिर गए, पांव पकड़ लिए, पिताजी गलती हो गई, क्षमा कर दो, पिताजी मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो। पत्नी ने पूछ लिया सुहांगी ने शांतिन मुनि से, आखिर श्रवण कुमार ने हमारा अपमान क्यों करा, हमको पैदल चलने का क्यों बोला? शांतिन मुनि बोले, सुहांगी जिस गांव में से निकलकर हम जा रहे हैं ना, ये गांव की जो जगह है ना, ये मैं दानव राक्षस की है,
मैं दानव राक्षस ने इस गांव की जमीन के नीचे ब्राह्मणों को मार मार कर उनके शवों को दबा दिया, उनका रक्त पीता है वो। अच्छा, ये उस मैदानों की जमीन है। इतना गुस्सा करता था मैदानों, ब्राह्मणों को नष्ट कर देता था। ये मैदानों की भूमि पर जब तक श्रवण कुमार हमें लेकर चल रहा था, उसी भूमि का प्रताप ऐसा था कि श्रवण कुमार की बुद्धि बदल गई और उसने हमसे अपशब्द कह दिया। ये भूमि का दोष होता है। किसी किसी भूमि पर भगवान का भजन हो जाता है, किसी किसी भूमि पर लोगों से पाप हो जाता है। जिस भूमि पर पाप हो रहा है, समझ लेना ये भूमि का कोई दोष है, जो अच्छा काम नहीं हो पा, भूमि का। कारण क्या हो सकता है? पाप थोड़ी देर का होता है, भोगना बहुत पड़ता है। पाप कितनी देर का? थोड़ी सी देर। और भोगना कितना पड़ेगा? अंदाजा लगाओ जरा। तो उस भोगने पर मत जाओ, यहीं का भोगना देख लो। किसी को चाकू मार दिया, कितनी देर लगा? अरे बोलो जरा। फिर चाकू मारा, 2 मिनट, मर गया 5 मिनट, कितने मिनट लगे? जम के बोलिए 7 मिनट। अब भोगना कितना है वो देखिए। पकड़ा गया, बंद कर दिया, 1 साल तक केस चला, 1.5 साल लग गया, 2 साल में निर्णय आया, 10 साल के लिए जम के बोलो अंदर गया। अब कितने साल लग गए? 10 तो अंदर, 2 बाहर, केस में कितने हो गए? 12। अब भोग, 7 मिनट का क्रोध था, 7 मिनट में चक्कू मार कर व्यक्ति को मार दिया, पर भोगना कितना पड़ा? 12 साल। उसी तरह पृथ्वी पर मनुष्य पाप थोड़ा सा करता है, पर भोगना तो बहुत पड़ता है, क्योंकि पाप करने का समय कम होता है और भोगने का समय ज्यादा होता है। तो भोगना तो पड़ेगा, आए हो तो भोगो। पाप थोड़ी देर का है, पर भोगना ज्यादा है। इसलिए फिर निवेदन करूंगा आपसे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भोगना है तो इसलिए भगवान से कहा करो, कभी कभी मौका मिल जाए और भगवान से कहने का जब समय मिले तो उससे निवेदन कर सकते कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि शरीर से किसी को कष्ट ना। किसी को कष्ट ना। कुरुक्षेत्र की भूमि ढूंढी है युद्ध के लिए, विचार करो जरा। भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे और अपने दूतों को कहा, ऐसी भूमि ढूंढना जहां भाई भाई का दुश्मन हो जाए। द्वारपाल ढूंढते ढूंढते गए, कहीं नहीं मिली ऐसी जमीन, पहुंच गए कुरुक्षेत्र। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जा उधर मेड़ पे से पानी आ रहा है, मेड़ को बांध दिया। छोटे भाई ने कहा, भैया मेरे हाथ में सामान रखा है, तू चले जा, तू बांध दिया। बड़े भाई को क्रोध आ गया, उसने हल रखा था हाथ में, छोटे भाई के पेट में मार दिया। हल से खींचता हुआ छोटे भाई को ले जाकर मेड़ पे सुला दिया, जहां से पानी को रोकना था। पानी तो रुक गया, भाई तड़प तड़प के मरता रहा। भगवान कृष्ण के दूतों ने जाकर कन्हैया से कह दिया, हमने वाली भूमि देख ली जहां भाई भाई का दुश्मन है। कौन सी भूमि है? तो कहा, कुरुक्षेत्र की भूमि। भगवान ने कहा, युद्ध होगा तो वहीं होगा, नहीं तो भगवान चाहते तो प्रतापगढ़ में भी युद्ध करने आ सकते थे। दिक्कत क्या थी? हस्तिनापुर से तो जाना था, वहां गए तो उसकी जगह यहां आ जाते, प्रयागराज आ जाते, मथुरा पहुंच जाते। भगवान चाहते
तो जहां जाकर युद्ध लड़ा देते, पर उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि को ढूंढा। क्यों? उस भूमि पर युद्ध कराना, क्योंकि वहां भाई भाई का दुश्मन बन सकता है। केवल वही भूमि एक ऐसी है जहां पर भगवान कहते हैं कि मैं युद्ध करा सकता हूं, वो भूमि को ढूंढा। और उस भूमि का दूसरा फल क्या था? कुरुक्षेत्र की भूमि पर राजा कुरु, जिसने शंकर भगवान की आराधना करी थी, और शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा था, मांग कुरु, तुझे क्या चाहिए? राजा कुरु कहता है, प्रभु बस मुझे वर दे दो कि इस भूमि पर जो मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, आप वर दो। भगवान ने कहा, कुरु तू और कुछ मांग ले। राजा कुरु ने शंकर जी से कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप तो बस इतना वर दे दो कि मेरे कुरुक्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में, मेरी कुरु भूमि पर जहां पर कोई मरे उसको स्वर्ग मिले। तो भगवान कृष्ण को तो मालूम था कि शंकर जी ने वर दिया है, इस भूमि पर जितने मरेंगे बेचारे, अभी परिवार की लड़ाई में, कौरव और पांडवों की लड़ाई में ये दूसरे मरेंगे, और दूसरे मरेंगे तो इनका क्या फायदा होगा? जमीन मिलेगी तो पांडवों को, जमीन मिलेगी तो कौरवों को, ट्रैक्टर मिलेगा तो पांडवों को, ट्रैक्टर मिलेगा तो कौरवों को, मकान मिलेगा तो पांडवों को, राज मिलेगा तो पांडवों को। तो परिवार की लड़ाई में जो दूसरे मरेंगे इनका भी तो उद्धार होना चाहिए। तो भगवान ने मन में सोचा, एक काम करो, कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा, कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ाएंगे तो जितने मरेंगे इनको कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा। तो भगवान ने ये चतुरता कर कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़वाया कि मरे तो बेकुंठ। मिले, आपसे भी निवेदन है, केवल अपने लिए अच्छा ना सोचे। हमारा तो निवेदन है, रोज भगवान से निवेदन करें, तो भगवान से यही प्रार्थना करें, भगवान हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूरण परमात्मा। भगवान से प्रार्थना करो, नवरात्रि चल रहे हैं, आद्य शक्ति जगदम्बा की आराधना कर रहे हो, तो माँ जगत जननी से निवेदन करो कि हे माँ, पूरे परिवार का कल्याण कर, और परिवार के साथ पूरे नगर का, पूरे देश का कल्याण कर, ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा। ऐसी कृपा हो जाए, ऐसी दया हो जाए। हे नारायण, तुमको भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान बने, द्वापर आया, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध मैदान में चंडी देवी आकर खड़ी हो गई, और चंडी ने कहा, ए कौरव और पांडव, युद्ध एक शर्त पर होगा, पहले मेरे लिए बलि चढ़ाओ। अपने अपने परिवार के एक एक व्यक्ति की बलि चाहिए। पांडव अपने भाइयों में से एक की बलि दे दे, और कौरव अपने भाइयों में से एक की बलि दे दे। कौरव तो खुश हो गए कि हम 100 में से एक बलि चढ़ गए, 99 बचेंगे, ये ले दे के 5, एक मर गए तो 4 ही बचेंगे। अब ये वही वाली बात आ गई ना, तेरा क्या होगा रे कालिया, अब ले दे के तो 4 बचे, अब 5 में से एक गया तो 4 ही बचे ना, आए क्या करें। भगवान कृष्ण के पास खबर गई, कृष्ण के पास जैसी सूचना गई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आ। अर्जुन बोले, हाँ प्रभु, कल बलि चढ़ना है। अर्जुन याद कर, तो द्रौपदी को लेकर आया था। हाँ, फिर तेरी माता ने क्या कहा था कुंती ने?
मेरी माता कुंती ने कहा था पांचों बांट लो, फिर मैंने द्रौपदी से कहा था तुम्हें पांच पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा, फिर द्रौपदी ने कहा बनने को तैयार हूं पर शर्त एक है, एक एक पति के साथ में एक एक वर्ष तक रहूंगी, मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा, अगर मंजूर हो तो मैं तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं। फिर सब अच्छा चल रहा था, भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी, पांडवों की एक एक वर्ष के साथ में द्रौपदी को रहना था। एक ब्राह्मण का बालक आया, पिता आया, दौड़ करा कर कहता है अरे अर्जुन मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, सिंह ले गया, मेरे बेटे को बचा ले रे अर्जुन। अर्जुन गया अपना धनुष लेने के लिए, गांडीव लेने के लिए, पर वो धनुष तो भीम के कक्ष में था। दौड़ा, बिना पूछे अंदर प्रवेश कर गया, धनुष को उठा लाया, ब्राह्मण के बच्चे को बचा लिया, ब्राह्मण के बच्चे को बचाया। और जब ब्राह्मण का बालक बच गया, ब्राह्मण का बालक बच भी गया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब आपको 5 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा। अर्जुन फिर क्या हुआ? अर्जुन कहते हैं मैं 5 साल के लिए वन गया, वन में जाकर मैंने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद मेरा एक बेटा हो गया, उसका नाम आरावन था। क्या नाम था? आरावन। भगवान कहने लगे अब अर्जुन खड़े हो जा उसी जगह पर जहां जहां तूने विवाह किया था, जहां तेरा बेटा हुआ था, अब वो बेटा बड़ा हो गया होगा, हे तो तुम्हारे कुल का परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना है, उसको लिया, उस आरावन की बलि देंगे। जा लेकर अर्जुन गया, आरावन को कहा बेटा कौरव और पांडवों का युद्ध है, तुम्हें युद्ध में चलना है। आरावन ने कहा चलो, चलिए पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरवों को मार मार कर गिराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, चिंता ना करिए। जैसे ही आरावन आया, भगवान कृष्ण ने बुलाकर कहा आरावन तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया गया है? आरावन ने कहा नहीं दादा हमको नहीं मालूम। आरावन आपको नहीं मालूम? नहीं। चंडी देवी को बलि चढ़ाना है कौरव और पांडवों में से एक एक परिवार के एक एक व्यक्ति की, तुम्हारी बलि चढ़ना है। आरावन कहते हैं दादा बलि तो चढ़ा दो मना नहीं, पर मैं कुंवारा हूं, मैंने अपनी माता उलूपी नागों की कन्या, मेरे नाना जो थे वो नाग थे, सांप थे, तो मेरे नाग नाना ने अपनी पुत्री उलूपी को बताया था, मेरी मां को बताया था नाग कन्या को कि हे पुत्री जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको ना पिंड मिलता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना गया जी में श्राद्ध होता है, ना ब्राह्मण को जिमाया हुआ भाग उस कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो कुंवारी अवस्था में मरा है उसको यह भाग नहीं मिलेगा, जो कुंवारी अवस्था में मरा है उसको ना पिंड ना तर्पण ना तिलांजलि ना श्राद्ध कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। आरावन कहते हैं दादा मैंने मेरी माता के मुंह से सुना था मुख से, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता दादा, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मुझे जल नहीं मिलेगा, तर्पण नहीं होगा, तिलांजलि नहीं होगी, मेरा पिंड नहीं होगा, मेरा भोज नहीं होगा। दादा आपसे निवेदन है आप मेरा विवाह कर दो, उसके बाद मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब जाओ जल्दी से एक लड़की ढूंढो उसके साथ शादी कर देते। पूरे हस्तिनापुर में ढूंढा तो कौन बाप अपनी बेटी भी आएगा एक रात के लिए, कौन होगा जो लड़की भी आएगा एक रात के लिए? किसी ने लड़की नहीं दी, किसी ने नहीं दी बेटी। भगवान को लगा अब क्या करा जाए, भगवान कृष्ण को याद आया कि शंकर भगवान ने कहा था कि ए नारायण तुम किन्नरों पर हंसे हो इसलिए तुम्हारा एक जन्म
कि नर का होगा। भगवान ने कहा एक आज ही जन्म ले लेता हूँ, और भगवान कृष्ण किन्नर बन गए। आ रावण के साथ रात्रि में शादी कर ली, फेरे डाल लिए, भावर पड़ ली, और शादी करने के बाद रात्रि को विवाह हो गया। सुबह आ रावण की बलि चढ़ गई, भगवान फूट फूट के रोने लगे। आज भी हिंदू धर्म में किन्नर गले में मंगल सूत्र पहनते, मांग भरते, चूड़ी पहनते, बिछुड़ी पहनते हैं। कई कई लोगों के मन में आता है कि इनका पति कौन होगा किन्नरों का, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आ रावण किन्नरों का पति होता है, इसलिए आज भी किन्नरों का विवाह एक घड़े से किया जाता है, और सुबह उस घड़े को फोड़ दिया जाता है। किसी पर हंसना नहीं है, कोई वाणी से विहीन है, कोई श्रवण शक्ति से विहीन है, कोई हाथ पैर से विहीन है, कोई दुर्बल है, कोई अधिक हेल्थी है, कोई धन विहीन है, हमें उस पर हंसना नहीं है। ना जाने भगवान शंकर की कथा कहती है हम जिस पर हंसते हैं एक जन्म हमको भी लेना पड़ता है, एक जन्म। अरे ये कोरोना महामारी में देख लो जी, जब आपके आसपास में पिछले साल की कथा जरा निकाल कर देखिए, पिछले वर्ष को जरा निकाल कर देखो, जब कोरोना में कोई आसपास के मोहल्ले में कॉलोनी में जरा सा किसी को कोरोना होता था, एम्बुलेंस दौड़ कर आती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसको लेकर जाते थे, और पूरे मोहल्ले के लोग देखकर हरे राम, कुछ हंसते थे, कुछ मुस्कुराते थे, कोई विचार करते थे देखो वो चले गया। कई लोगों ने कमेंट्स भी करे ऐसा कर्म किया होगा, ऐसा किया होगा, तो कई लोगों के मन में भाव आया। अब वही कोरोना पलट कर वापिस आ गया, और ये दिखाने के लिए आया है कि हंसना मत, ये दिखाने के लिए आया है कि किसी पर उंगली मत उठाना, ये दिखाने के लिए आया है कि किसी पर कमेंट्स मत करना, किसी को अपशब्द मत करना, किसी को ताने मत देना। अरे भारत की भूमि पर इतना नाजुक समय चल रहा है साहब, इस नाजुक समय में दुनिया के लोगों को तुम्हारे धन की नहीं, इस नाजुक समय में तुम्हारे द्वारा अच्छी वाणी की, प्रेम के शब्द की जरूरत है। जो बीमार पड़े हैं उनको फोन लगाकर बात तो कर लो, और कह दो मत घबराना भाई, ऐसी कोरोना बीमारी तो चलती रहेगी, घबराना मत, ही हम बैठे हैं, चिंता मत करना, ठीक होकर वापिस आएगा, ठीक होकर वापिस आएगा। अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो रही थी, तो फांसी की सजा होने से पहले मेजर ने कहा एक काम करो, अब की बार फांसी की सजा चेंज करी जाए, क्या एक जहरीले सांप से इस व्यक्ति को कटवा कर मरवाया जाए, फांसी की सजा नहीं दी जाए। दूसरे दिन कुर्सी पर बिठाया, आंखों पर पट्टी बांध दी, और सांप की जगह दो पिन उस व्यक्ति के पांव में चुभा दी, जैसे चुभाई वो व्यक्ति मर गया, उसके मुख से फेन निकल गया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा, आखिर ये हुआ क्या, मेडिकल साइंस ने जानना चाहा, सांप तो काटा नहीं तो मरा कैसे, इसके शरीर में सांप का जहर आया कैसे, तो रिसर्च में निकला कि वो भय सांप का अंदर से इतना हो गया था कि मात्र पिन चुभने से भी लग गया कि सांप डस गया, और वो शरीर में जहर बन गया और वो मर गया। तो आज के समय में दुनिया के लोगों को समझाओ कि मुख पर मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पर घबराएं नहीं। ये कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने पहचान वालों को फोन लगाकर उसको डराओ मत, ही उसको मैसेज कर घबराओ नहीं कि इतने मर गए तेरा क्या होगा, उस हॉस्पिटल में इतने मर गए ऐसा हो गया, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उस व्यक्ति को समझाना है कि तू ठीक होकर वापिस आएगा। शंकर पर विश्वास रख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर, और उस शंकर को याद कर जो कालो कवि काल महाकाल है, उसको हर पल याद करते रहे, तो मेरा बाबा वेंटिलेटर पे से भी उठाकर तुझे घर लेकर आएगा, ऑक्सीजन हटाकर तुझे घर के सुंदर आंगन में ले आएगा। उसको विश्वास दिला, उसको शंकर के प्रति समर्पित कर दो, उसका विल पावर मजबूत कर दो, जिससे वो घबराए ना, वो डरे ना।
उसको समझाओ। इतना डरा दे रहे हैं, शमशान में जगह नहीं है, मुर्दे कैसे जल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को इतना डरा दिया कि हर व्यक्ति को सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो टेंशन लेके घर में ही डराओ। स्मरण मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शंकर, स्मरण करने वाला मेरा बाबा, मेरा शंभु, स्मरण कर, उसकी कृपा है। महाराज कर्मों का भोग है, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बस इतना ध्यान जरूर रखो कि इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा, इस वाणी के द्वारा किसी का अपमान ना हो, किसी को अपशब्द ना कहा जाए, किसी के दिल को कोई ठेस ना पहुंचे। बहुत नाजुक समय है, सबके लिए मीठा बोलिए, सबका सम्मान करिए, आदर करिए, सत्कार करिए, किसी के लिए अपमानजनक शब्द ना बोलिए, किसी पर हंसिए नहीं, किसी को ये ना कहिए कि कर्म हो गया, जो जिसके लिखा है भाग्य में जो होगा, आप किसी का भाग्य लिखने वाले नहीं। भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मदेव रुकिए, आपने क्या बनाया ब्रह्मा? ब्रह्मा कहते किन्नर बन गए प्रभु। कोई बात नहीं, बन गए ना, सबसे पहली सृष्टि किन्नर की होगी, चिंता मत करो, आपने बनाया है, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, कोई बात नहीं। ब्रह्मदेव अब आप हमारे प्रतिबिंब का दर्शन करिए, आप हमारे प्रतिबिंब का दर्शन करिए ब्रह्मदेव। भगवान शंकर ने अर्ध नारेश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है। कौन सा स्वरूप बनाया है? अर्ध नारेश्वर स्वरूप, आधा शिव आधा पार्वती, शंकर भगवान ने अपना अर्ध नारेश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। और जो अर्ध नारेश्वर स्वरूप का भगवान दर्शन कराते हैं, आधा शिव आधा पार्वती देखकर ब्रह्मा थकित रह जाते हैं, और ब्रह्मा भगवान शिव का जो स्वरूप देखा है, ब्रह्मदेव की आंखों से जल निरंतर बह रहा, जल निरंतर बह रहा। पधारी अर्ध नारेश्वर, जल निरंतर बह रहा। और अर्धनारेश्वर स्वरूप का जब दर्शन ब्रह्मदेव कर रहे हैं, भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव गलती आपसे थोड़ी सी हो गई, आपको बोला था कि एक पुरुष एक स्त्री बनाना, आपने दोनों को मिलाकर बना दिया, आपने दोनों को, दोनों को करा दर्शन अर्धनारेश्वर भगवान का। एक बार भाव से दोनों हाथ उठाकर, हर हर महादेव। आज अपन ने भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया है, भाव भक्ति से आनंद के साथ। कल कथा में भगवान शिव के मंगल विवाह का भी दर्शन करेंगे, कल अपन भगवान के मंगल विवाह की ओर भी आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं अर्धनारीश्वर भगवान के लिए। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान का, यजमान अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करेंगे अभी भाव भक्ति से। भगवान शिव औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मदेव आप घबराए ना, अब घबराए ना, हे ब्रह्मदेव
बस इतना ध्यान रखिए कि आपने सृष्टि का जो निर्माण किया है वो गलत नहीं किया, आपने जो बनाया वो बना लिया। सबसे पहली सृष्टि है किन्नरों की, सबसे पहली सृष्टि किन्नरों की। इसलिए आज भी हमारे यहां कोई शुभ कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, तो उस शुभ कार्य में किन्नरों को बुलाया जाता है, उनको नेक निछावर दी जाती है, नेक निछावर उनको दी जाती है, आज भी देते हैं महाराज। तो ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया, समय आया फिर आपसे निवेदन करें भाव भक्ति से शिव उपासना। कल आपको कथा में कहा था शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव का किया गया भजन। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर भी गया है तो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेने पर, फिर वही वाली बात आ गई जो कल कथा में कही थी कि आप कभी मौका मिले तो पुराणों को उठाकर देखना, उसमें मिलेगा। और पुराण उठाकर नहीं दे सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर पढ़ना, मां लिखा मिलेगा कि शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है, उसका साधन, उसका साध्यता, उसका आनंदता यही वर्णन करता, उसका आनंद यही वर्णन। कुंवारी अवस्था वालों को भी तारने वाली है ये शिव महापुराण की कथा। हम तो कहते हैं जो माताएं श्रवण करती हैं ना, इनके गर्भ में अगर कोई बच्चा कुंवारी अवस्था में मर गया हो, शांत हो गया हो, परिवार में मायके पक्ष में ससुराल पक्ष में कोई कुंवारी अवस्था में 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीने का गर्भ चले गया हो, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है जो कथा सुनकर जाते हैं उनके शरीर की तरंग से भी, उनके शरीर की तरंग से भी महाराज उस वातावरण